डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है टू। अब आप मान लीजिए ये ए और बी दोनों कोई कपल है, अब इनकी जोड़ी कब टूटेगी? जब इनके बीच में कोई तीसरा आएगा। आज आप मुझे बताइए अपने इंडिया में जो डिवोर्स रेट है वो बढ़ती भी जा रही है, तो डिवोर्स क्यों होंगे जब उनके बीच में कोई ना कोई तीसरा आएगा। जैसे अभी एक फोर्थ फेमस केस अभी चल रहा है ज्योति मौर्य, एक वो दुबे है, मनीष दुबे नाम का कोई ऑफिसर है, तो पति ने आलोक ने पढ़ा लिखा के उसकी पत्नी को क्या बुलाया, एसटीएम लेवल का पद दिलाया। अब वो ज्योति जो मौर्य है उसको क्या लग रहा है कि अब मुझे शर्म आती है कि मेरा पति एक सेवक समय एक कर्मचारी है ना, तो उसने क्या किया, उसकी लाइफ पे एक नया इंसान आ गया जिसका नाम क्या है, मनीष दुबे, वो भी एक ऑफिसर लेवल का इंसान है। तो आप मुझे बताइए ज्योति और आलोक दोनों अच्छे से रह रहे थे, दोनों अच्छे कपल थे, लेकिन क्या हुआ इनके बीच में तीसरा कौन आ गया, मनीष आया। जैसे मनीष आया तो ज्योति के माइंड में क्या आया कि यार अब आलोक के साथ मुझे रहने की जरूरत नहीं है। ऐसे बेटा डीकम्पोजिशन में क्या होता है, जो ए बी जो आराम से रह रहे हैं, बट जैसे कोई तीसरा आएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको हीट दे दी, क्या दे दी, और जब भी तीसरा आता है तो क्या कहता है, बढ़ता था आग लगाता है कि वो तो खराब है, वहां क्या रखा है, वो सफाई कर्मचारी है, उसके साथ मेरी इज्जत नहीं है, वो तो एसडीएम लेवल की है, दूसरों को क्या मुंह दिखाएगी, इतनी बड़ी ऑफिसर होकर इतने छोटे व्यक्ति के साथ रह गई। तो ये सब उसके मन में भर दिया, किसकी में, ज्योति के मन में भर दिया। तो आलोक चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, पहले तो बहुत प्यार से रहती थी, उसने व्हाट्सएप चैट भी अपने क्या किए वायरल किए कि देखो पहले कितना प्यार करती थी। लेकिन जब से मनीष आया तो जैसे बेटा डीकम्पोजिशन में जैसे हीट आया, तो हीट आते ही डीकम्पोजिशन हो गया और क्या बन गया, ए प्लस बी बन गया। बट एक चीज और समझिए, क्या हमेशा हीट ही होगी, क्या ऐसे कपल तो बहुत सारे हैं, क्या हर जगह मनीष दुबे ही थोड़ा है, कोई दूसरा भी आ सकता है। तो डीकम्पोजिशन तीन तीन मुख्य रीजन होते हैं, पहला तो है बेटा हीट, पहला क्या है हीट, दूसरा है एनर्जी, दूसरा क्या है तीसरा है अपने इलेक्ट्रिसिटी, क्या है इलेक्ट्रिसिटी। तो डीकम्पोजिशन तीन कारणों से होते हैं, महाभारत भी हुई थी शकुनी के कारण हुई थी, किसने बढ़ाया दुर्योधन को, शकुनी ने, कि ये पांडव पांच है मित्र सौ तुम क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा, है ना, कुछ भी मत दो इनको, तो शकुनी ने बढ़ाया। रामायण किस कारण से हुई, मंत्रा के कारण, कहते हो किसने बढ़ाया, मंत्रा ने बढ़ाया। तो बेटा रामायण हो या महाभारत हो या फिर आलोक आलोक हो, कहीं ना कहीं तीसरा इंसान आके दूसरे इंसान को क्या किया करा रहा है, भड़का रहा है, उसके आग लगा रहा है, उसके कान फूंक रहा है। इसलिए हमेशा मंत्र और शकुनी जैसे लोगों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, समझ में आई बात। तो डीकम्पोजिशन हमेशा कितने कारणों से होगा, तीन कारणों से, पहला कौन सा हीट, दूसरा कौन सा एनर्जी, तीसरा कौन सा इलेक्ट्रिसिटी। अब हीट से होगा तो उसको हम बोल देंगे बेटा क्या बोल देंगे, थर्मोलाइटिक, क्या बोल देंगे थर्मोलाइटिक, क्योंकि हीट को अपन थर्मो ही तो बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं थर्मो। तो हीट से अगर डीकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा थर्मोलाइटिक, अगर एनर्जी से होगा तो बेटा क्या बोल देंगे। अच्छा एनर्जी का मतलब क्या है यहाँ पे, सनलाइट, क्या है सनलाइट, सनलाइट बनती बेटा किससे बनती है, फोटोन से, किससे बनती है फोटोन से, इसलिए उसको बोल देंगे फोटो लाइटिंग। इलेक्ट्रिसिटी से होगा क्या बोलेंगे इलेक्ट्रो लाइटिंग। तो बताइए डीकम्पोजिशन कितने टाइप के हो गए, थ्री टाइप के हो गए, पहला कौन सा थर्मोलाइटिक, दूसरा फोटोलाइटिक, तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक। अब डीकम्पोजिशन अगर हीट से होगा तो कौन सा बोला जाएगा, थर्मोलाइटिक बोला जाएगा, एनर्जी से होगा या सनलाइट से होगा तो क्या बोला जाएगा फोटोलाइटिक बोला जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी से होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक बोला जाएगा। तो इस टाइप से डीकम्पोजिशन होता है। अच्छा मुझे आप बताओ डीकम्पोजिशन के लिए किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी, चाहे टेम्परेचर हो चाहे कोई अन्य कोई चीज हो जो उसको डीकम्पोज होने में क्या करे, हेल्प करे। तो डीकम्पोजिशन हमेशा अपनी इच्छा से नहीं होता, कब होता है जब कोई ना कोई कैटलिस्ट आएगा और उसको क्या करेगा, डीकम्पोज होने के लिए क्या करेगा, मजबूर करेगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको।